गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में वाक्य और वाक्य के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसे क्या कहते हैं, तो यह क्या है, ध्वनि। फिर इसमें स्वर मिलने से, इसमें स्वर मिलने से वह बनता है वर्ण, और वर्णों का उचित समूह, अर्थपूर्ण समूह को हम क्या कहते हैं, शब्द। ध्वनि, वर्ण और अर्थपूर्ण समूह, वर्णों का अर्थपूर्ण समूह क्या बनता है, शब्द। और इस तरह शब्दों का अर्थपूर्ण समूह, शब्दों का अर्थपूर्ण समूह, शब्दों का अर्थपूर्ण समूह, इसमें कारक लगने से कारक, विशेषण, विषय, कर्म, ऐसे पद लगने से और सही क्रम में, उसे उचित क्रम में यानी कि पद क्रम में रखने से वाक्य बनता है। तो वाक्य, तो सबसे पहले हम इसे कहते हैं ध्वनि। ध्वनि को, ध्वनि यानी कि व्यंजन में जब स्वर मिलता है तब बनता है वर्ण, और वर्णों के समुचित या अर्थपूर्ण समूह को हम कहते हैं शब्द, और शब्दों के अर्थपूर्ण समूह को और उसमें कारक लगने से एक पद दूसरे पद के साथ जिस संबंध से जुड़ जाता है उसे कहते हैं वाक्य। तो आज हम वाक्य तथा वाक्य के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वाक्य के दो प्रकार होते हैं, उसमें दो मुख्य घटक होते हैं, एक है उद्देश्य और दूसरा है विधि। उद्देश्य और विधि दो मुख्य घटक है, और वाक्य के प्रमुख तत्व भी भिन्न भिन्न है। तो प्रमुख तत्व कौन से है, तो उसमें वाक्य की सार्थकता, शब्दों की सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम और अन्वय, ये सारी बातें उसमें जब रहती है या उचित रूप से होती है तब वाक्य सही मायने में अर्थपूर्ण बनता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वाक्य किसे कहते हैं। शब्दों का ऐसा व्यवस्थित, शब्दों का ऐसा व्यवस्थित सार्थक समूह, सार्थक समूह, शब्दों का ऐसा व्यवस्थित सार्थक समूह जो किसी विचार या भाव, किसी विचार या भाव को पूर्णतः, भाव को पूर्णतः व्यक्त कर सकता है, किसी विचार या भाव को पूर्णतः व्यक्त कर सकता है उसे वाक्य कहते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, तो सबसे पहले हमने ध्वनि, उसमें स्वर मिलने से वर्ण, वर्ण का जो समूह होता है वह शब्द। पर शब्दों में से वाक्य कब बनता है, तो शब्दों का ऐसा व्यवस्थित सार्थक समूह जो किसी विचार या भाव को पूर्णतः व्यक्त कर सकता है, यानी कि जो भी शब्दों का समूह है उसमें से हम
वह उसका अर्थ क्या है, वह क्या कहना चाहता है उसे समझ पाए तब वह वाक्य बनता है। शब्दों का अर्थ अस्त व्यस्त समूह को हम वाक्य नहीं कह सकते। जैसे कि भारत की संस्कृति अत्यंत प्राचीन है, तो इस वाक्य में प्रयुक्त सभी शब्द अर्थवान है, यानी कि सार्थक है। ऐसे व्यवस्थित शब्दों का समूह किसी विचार को प्रकट कर सकता है। तो अब हम वाक्य के प्रमुख तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि जब हमें वाक्य बनाना है तो उसमें कौन सी बाबतें महत्वपूर्ण हैं और हमें किस बात का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले वाक्य के प्रमुख तत्व, दूसरा है योग्यता, तो सार्थकता। सार्थकता से अभिप्राय है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का अर्थवान होना। जो अर्थपूर्ण शब्द है वही वाक्य में हम रखते हैं और उसी से ही हमें वाक्य बनाने में और उसका अर्थ समझने में सरलता रहती है। तो सार्थकता का मतलब है वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का अर्थवान होना, यानी कि प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। वाक्य में केवल सार्थक शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है, पर कभी कभी निरर्थक शब्दों का प्रयोग भी विशेष संदर्भ में सार्थक साबित होता है। वाक्य में सार्थक शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है, मतलब जिसका अर्थ निकलता है ऐसे शब्द, पर कभी कभी निरर्थक शब्दों से भी वाक्य सार्थक बन जाता है। हम उदाहरण के तौर पर देखेंगे कि सबसे पहले लिखते हैं कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का अर्थवान होना, वाक्य में जितने भी शब्दों का हमने प्रयोग किया है वह सभी अर्थपूर्ण होने चाहिए, तब जाकर वाक्य सही बनता है। और वाक्य में कभी कभी ऐसे सार्थक शब्दों के अलावा निरर्थक शब्दों का प्रयोग होता है, तब भी वह वाक्य सही बनता है। जैसे कुछ पानी पानी पीकर जाना, उदाहरण देखते हैं। तो जैसे कुछ पानी पानी पीकर जाना, हम जब भी कुछ ऐसा कहते हैं तब ऐसे निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। यहाँ पर पानी का मतलब है कि हमें यहाँ से जाना है, उससे पहले पानी पीना है, लेकिन यहाँ पानी पानी ऐसी विलुप्त शब्दों की जोड़ी हम यहाँ पर रखते हैं जिससे वाक्य आकर्षित लगता है। तो यहाँ पर यह पानी का कोई मतलब नहीं है, फिर भी इस वाक्य में यह पानी शब्द है वह सार्थक या अर्थवान के रूप में यहाँ पर साबित हुआ है या प्रस्तुत हुआ है। तो वाक्य में कभी कभी वाक्यों की सार्थकता, वाक्य में सार्थकता होनी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सार्थक वाक्य में शब्दों का अर्थवान होना अत्यंत आवश्यक है। शब्द यदि अर्थवान होंगे तब जाकर वाक्य का क्या अर्थ है वह हम समझ पाएंगे। लेकिन कभी कभी हमारे व्यवहार में ऐसे निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग होता है, लेकिन ऐसे निरर्थक शब्दों से भी वाक्य हमें समझ में आता है तो वह निरर्थक शब्द वहाँ क्या बन गए, सार्थक बन गए। दूसरा है
दूसरा उदाहरण देखें कि मेरे सामने ज़्यादा चूर चपड़ करने की कोशिश मत करना। मेरे सामने ज़्यादा चूर चपड़ मतलब मेरे सामने कुछ बोलना नहीं है तुझे, लेकिन हम उसे किस तरह व्यक्त करते हैं सामने वाले व्यक्ति के पास सामने कि तू मेरे सामने चूर चपड़ मत करना, मतलब बिल्कुल चुप रहना। यहाँ पर चू न करना मतलब बिल्कुल न बोलना, मतलब चपड़ का कोई अर्थ नहीं है, फिर भी हम वहाँ पर क्या किस शब्द का प्रयोग करते हैं तो चू चपड़। तो ये जो चपड़ है वह निरर्थक शब्द है जिसका कोई अर्थ नहीं है, फिर भी वाक्य में वह सार्थक साबित हुआ है। तो इस तरह कभी कभी सार्थक वाक्यों शब्दों के साथ साथ निरर्थक शब्द भी प्रयोग किए जाते हैं और वह भी वाक्य को अर्थपूर्ण बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता रहता है। अब दूसरा तत्व है योग्यता। दूसरा तत्व है योग्यता। वाक्य में शब्दों की योग्यता होना भी आवश्यक है। वाक्य में जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है वाक्य में जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है उनमें अर्थ प्रदान करने की योग्यता होनी चाहिए। वाक्य में जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है उनमें अर्थ प्रदान करने की योग्यता या सामर्थ्य सामर्थ्य होना चाहिए। जितने भी शब्द हम वाक्य में प्रयोग करते हैं या वाक्य बनाने में जितने भी शब्दों का प्रयोग हुआ है वह सभी शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। कुछ अर्थ नहीं है तो इसे वाक्य हम नहीं समझ पाएंगे, इसलिए योग्यता होना, प्रत्येक शब्द की योग्यता होना अत्यंत आवश्यक है। उदाहरण देखेंगे तो मैंने पानी खाया। पानी कभी खाया जाता है? नहीं खाया जाता। पानी क्या किया जाता है? तो पिया जाता है। तो यहाँ पर मैंने पानी खाया। उदाहरण के रूप में हम इस उदाहरण को देखते हैं कि मैंने पानी खाया। तो वाक्य में प्रयुक्त तीनों शब्द सार्थक है। सार्थक है मतलब तीनों शब्दों का अर्थ है। खाना यहाँ पर, पीना यहाँ पर अपने आप के लिए, मैंने व सर्वनाम के रूप में हमने उसका प्रयोग किया। तो सभी शब्द कैसे है? सार्थक है, कुछ ना कुछ उसका मीनिंग है। लेकिन जहाँ पर जिसका प्रयोग किया जाता है वही करना चाहिए। मीनिंग होने वाले शब्द वही जैसे वही तहीं रख नहीं दिए जाते, क्योंकि जहाँ जिस शब्द का प्रयोग होना चाहिए, जिसके साथ होना चाहिए, वैसे ही उसका उपयोग किया जाएगा, तब उसका सही अर्थ समझ में आएगा। तो यहाँ पर पानी पिया जाता है, खाया नहीं जाता, इसलिए यहाँ पर योग्यता नहीं है। खाया, मैंने पानी पिया, यानी कि यहाँ दूसरा शब्द हम दूसरा वाक्य बना सकते हैं, मैंने खाना खाया। कहाँ यह शब्द छोड़ना है या यह निकालना है,
तो दोनों में से एक शब्द को हमें क्या करना है, चेंज करना है। तो मैंने पानी पिया, यदि हम ऐसा करना नहीं चाहते तो मैंने खाना खाया, तब जाकर उसकी योग्यता एक पद के साथ दूसरे पद के साथ बनी रहेगी। इसलिए वाक्य में योग्यता होना आवश्यक है। तीनों शब्द सार्थक है, लेकिन किसके साथ कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है उसके बारे में हमें सोचकर प्रयोग करना चाहिए। सही रूप के साथ योग्य शब्द वाक्य सही बनाने के लिए एक दूसरे के साथ सही शब्द रखने से ही वाक्य अर्थपूर्ण बनता है। वाक्य में प्रयुक्त तीनों शब्द सार्थक है, पर शब्दों के इस समूह में वांछित अर्थ देने की योग्यता नहीं है। जो हम चाहते हैं वो अर्थ नहीं दे पाते। जबकि मैंने पानी पिया वाक्य में अर्थ प्रदान करने की योग्यता है। तो मैंने पानी पिया ऐसा शब्द, ऐसा वाक्य यदि हम बनाते हैं तब वह योग्य कहलाता है। अब तीसरा तत्व है आकांक्षा। तीसरा शब्द है आकांक्षा। आकांक्षा से आशय है वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए। आकांक्षा वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए। होना चाहिए वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए, अर्थात उसमें किसी शब्द की कमी के कारण अर्थ प्राप्ति की जिज्ञासा न बनी रहे। जो भी हम कहना चाहते हैं वह वाक्य हमें अपूर्ण न लगे। जो भी हम कहना चाहते हैं वह हम स्पष्ट रूप से कह सके। इस तरह वाक्य पूरा होना चाहिए। तो वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए, यानी कि पूरा अर्थ प्रदान करने वाला चाहिए। जैसे इस वाक्य को लिखकर हम उसके पीछे कोई हमारे मन में प्रश्न नहीं रहेगा, तब हम कह सकते हैं कि वाक्य सही है। तो यहाँ एक शब्द लेते चाहता है, चाहता है। दूसरा शब्द लेते, दूसरा लेते पढ़ना चाहता है, पढ़ना चाहता है। तो ये दोनों वाक्य में कुछ न कुछ हमें अधूरा सा लगता है। यहाँ पर देखो चाहता है, पर क्या चाहता है, वहां पर भी प्रश्न रहता है। यहाँ पर देखो पढ़ना चाहता है, तो वहां पर भी प्रश्न रहता है, कौन पढ़ना चाहता है। यहाँ पर चाहता है तो क्या चाहता है, यहाँ पर पढ़ना चाहता है तो कौन पढ़ना चाहता है। तो दोनों वाक्य में जिज्ञासा बनी रहती है, मतलब जानने की इच्छा, कि प्रश्न बना रहता है हमारे मन में। तो ऐसे वाक्यों को हम आकांक्षा वाले या पूर्ण आकांक्षा से, आकांक्षा वाक्य में आकांक्षा है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वाक्य में, वाक्य लिखने के बाद या समझने के बाद कोई प्रश्न नहीं रहेगा, तब सही मायने में वह वाक्य सही रूप में हम लिख सकते हैं या समझ सकते हैं। तो यहाँ पर पूरा वाक्य लिखने के लिए अभी शब्द हमें वहाँ रखने हैं, जैसे वह पढ़ना चाहता है। तीसरा शब्द वाक्य है वह पढ़ना चाहता है। अब देखो यहाँ पर कोई प्रश्न नहीं रहेगा, वह पढ़ना चाहता है। तो कोई है जो पढ़ना चाहता है, यहाँ पर प्रश्न रहता था मन में, यहाँ पर भी रहता था, यहाँ नहीं रहता। तो सही वाक्य कौन सा है, यह है। तो इस तरह वाक्य में आकांक्षा, यानी कि वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए, अर्थात उसमें किसी शब्द की कमी
या जानने की इच्छा यानी कि जिज्ञासा नहीं रहनी चाहिए। चौथा तत्व है निकटता। चौथा तत्व है निकटता। तो यहाँ पर वाक्य में शब्दों को बोलने और लिखने में उचित निकटता होनी चाहिए। वाक्य में शब्दों को बोलने और लिखने में उचित निकटता होनी चाहिए। यदि कहीं उचित विराम की आवश्यकता हो तो वहाँ विराम चिन्हों का प्रयोग अपेक्षित है। बहुत रुक रुक कर या जल्दी जल्दी बोलने के से वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता। मतलब जहाँ पर जिस तरह लिखना है वही उस तरह हम लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर शब्दों की निकटता होनी चाहिए और जहाँ विराम चिन्ह लगाने पड़ते हैं वहाँ विराम चिन्ह भी हम वहाँ रुक कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। जहाँ रुकने की ज़रूरत है, जहाँ प्रश्न करने की ज़रूरत है, वहाँ पर ऐसे ऐसे विराम चिन्हों को लगाकर हम आगे बढ़ सकते हैं, वाक्य बना सकते हैं। तो हम उदाहरण के तौर पर यहाँ पर देखेंगे। ये दोनों शब्द आप सही समझ लो, सही तरह से समझ लो कि यहाँ दो कप टी, तो दो कप यानी कि टी यानी कि चाय, दो कप चाय ऐसा है। और वही ऐसे लिखने से, इस तरह लिखने की बजाय हम उसे इस तरह लिखेंगे तो कप टी यानी कि धोखेबाज, इसका मीनिंग क्या होगा, धोखेबाज। तो यहाँ पर हमें शब्दों में उचित निकटता होनी चाहिए। जो हम कहना चाहते हैं, यदि किसी के पास हम चाय लाओ ऐसा कहना चाहते हैं तो उसे हम कहेंगे कि दो कप टी हमें दे दो। लेकिन कोई हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहा है तो उसके बारे में हम किसी को बता रहे हैं तो उसके लिए हमें शब्दों का प्रयोग करना है कि वह व्यक्ति कपटी है। तो यहाँ पर हमें कप और टी तीनों शब्द तीनों वर्ण साथ में लिखने होंगे। यदि हम उसे साथ में नहीं लिखेंगे तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, कोई और ही हो जाएगा। इसलिए शब्दों में निकटता होना आवश्यक है। चौथा है पद क्रम, सॉरी पांचवा, पद क्रम। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पद क्रम होना अत्यंत आवश्यक है। पद क्रम वाक्य का सही अर्थ तभी स्पष्ट होगा जब उसमें प्रयुक्त सभी शब्द उचित क्रम में प्रयुक्त किए गए हो। सामान्य रूप से वाक्य जब बनाते हैं तो कर्ता, कर्म और क्रियापद इस तरह से बनाते हैं। फिर उसमें कर्म के जो विशेषण हैं, क्रियापद के विशेषण, क्रियापद के अर्थ विशेषण है, इस जो सारी बातें हैं तो उसे जहाँ पर उस पद के आगे हम उसे क्या करते हैं, लिखते हैं। तो वही इस तरह से लिखने से ही वाक्य सही अर्थपूर्ण बनता है। तो यहाँ पर पद क्रम रखना अत्यंत आवश्यक है कि वाक्य का सही अर्थ तभी स्पष्ट होगा जब उसमें प्रयुक्त सभी शब्द उचित क्रम में प्रयुक्त किए गए होंगे। तो वाक्य का सही अर्थ, वाक्य का सही अर्थ तभी स्पष्ट होगा, तभी स्पष्ट होगा, वाक्य का सही अर्थ तभी स्पष्ट होगा जब उसमें प्रयुक्त, वाक्य का सही अर्थ तभी स्पष्ट होगा जब उसमें प्रयुक्त सभी शब्द सभी शब्द
उचित क्रम में, उचित क्रम में प्रयुक्त, उचित क्रम में प्रयुक्त किए गए हो। तो पद क्रम वाक्य का सही अर्थ तभी स्पष्ट होगा जब उसमें प्रयुक्त सभी शब्द उचित क्रम में प्रयोग उचित क्रम में रखे गए हो। तो यहाँ पर उदाहरण देखते, मैंने केवल एक पत्र लिखा है, मैंने केवल केवल एक पत्र लिखा है। यह वाक्य हमें क्या कहना चाहता है पूरी तरह हम समझ पाते हैं। क्यों समझ पाते हैं? क्योंकि उसमें पदों का क्रम योग्य है, पर उसे उलटकर हम लिखते हैं। जैसे कि केवल पत्र एक है लिखा है मैंने, केवल पत्र एक है लिखा मैंने। यहाँ पर वाक्य उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो पद जिस तरह रखने चाहिए उसी तरह यहाँ पर पद रखे नहीं है। इसलिए जब भी हम कोई वाक्य लिखते हैं तो उसमें पदों का क्रम में होना अत्यंत आवश्यक है। कर्ता, कर्म और क्रियापद वाक्य के अंत में लिखा जाता है, जबकि यहाँ पर वाक्य क्रियापद बीच में रखा है हमने, फिर कर्ता है उसे अंत में लिखा है, तो वह वाक्य सही नहीं है। इसलिए वाक्य को अर्थपूर्ण, सही और समझ सके ऐसा बनाने के लिए उसका महत्वपूर्ण तत्व है पद क्रम। तो वाक्य बनाने में हमें पद क्रम योग्य रखना चाहिए। उसके बाद अन्वय, अन्वय यानी कि एक पद का दूसरे पद के साथ मेल। अन्वय यानी कि एक पद का दूसरे पद के साथ में, वाक्य में प्रयुक्त किए जाने वाले प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों में कर्ता, कर्म, वचन, कर्ता, कर्म, वचन, कारक, क्रिया, कारक, क्रिया, कर्ता, कर्म, वचन, कारक, क्रिया आदि में उपयुक्त, आदि में उपयुक्त मेल होना चाहिए, मेल होना चाहिए, मेल होना चाहिए। वाक्य में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों में कर्ता, कर्म, वचन, कारक, क्रिया आदि में उपयुक्त मेल होना चाहिए। यानी कि जितने भी पद वाक्य में हमने रखे हैं वही वह सारे पद एक दूसरे के साथ कोई ना कोई संबंध से जुड़े होने चाहिए। जैसे अन्वय होना चाहिए,
अन्यथा वह वाक्य शुद्ध नहीं कहलाता। जैसे हम खाना खाता हूँ, उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे हम खाना खाता हूँ, हम खाना खाता हूँ। आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि यह वाक्य उचित नहीं है। हम खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, या हम खाना खाते हैं, या खाता हूँ ना, हम के साथ हम खाना खाते हैं, तो यहाँ पर कर्ता कर्म और क्रियापद में कोई मेल नहीं है। ये कर्ता है, कर्म है और क्रियापद है, तो उसमें कोई मेल नहीं है। हम खाना खाते हैं ऐसा यदि हम लिखेंगे तो वह वाक्य उचित बनेगा। तो वाक्य में क्रिया का कर्ता से मेल नहीं है, ये क्रिया है या कर्ता है, तो ये क्रिया का कर्ता से कोई मेल नहीं है, क्योंकि कर्ता का सही मेल बनाने के लिए हम खाना खाते हैं। खाते हैं शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, खाता हूँ नहीं, तब जाकर ये वाक्य सही बनेगा। तो वाक्य में हम कर्ता के साथ खाते हैं का प्रयोग करते हैं, तो सही रूप से वाक्य में कर्ता और यानी कि एक पद का दूसरे पद के साथ मेल होना चाहिए। एक पद का दूसरे पद के साथ जब मेल नहीं होता तो वाक्य गलत बनता है। इसलिए जब भी हम वाक्य बनाते हैं तो इन प्रमुख तत्वों को जानना चाहिए। सबसे पहले सार्थकता, तो वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का अर्थवान होना, प्रत्येक शब्द अर्थपूर्ण होना चाहिए। दूसरा तत्व है योग्यता, तो वाक्य में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनमें अर्थ प्रदान करने की योग्यता होनी चाहिए। तीसरा तत्व है आकांक्षा, तो आकांक्षा से आशा है वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए, उसका अर्थ अपूर्ण होना चाहिए नहीं। चौथा तत्व है निकटता, तो वाक्य में शब्दों को बोलने और लिखने में योग्य निकटता होनी चाहिए। यदि निकटता नहीं होती तो वाक्य का अर्थ कुछ और ही हो जाता है और हम कुछ कहना चाहते हैं। फिर पदक्रम, तो वाक्य का सही अर्थ तभी स्पष्ट होगा जब सही क्रम में उसको हम सभी पदों को लिखते हैं, तो पद क्रम को भी हमें उचित क्रम में प्रयुक्त करना चाहिए। उसके बाद अन्वय, तो एक पद का दूसरे पद के साथ मेल होना चाहिए, तब जाकर हमारा वाक्य सही बनता है। तो आज इस वीडियो में हमने जितने भी प्रमुख तत्वों के बारे में देखा है उसके बारे में आपको अच्छी तरह से समझ प्राप्त करनी होगी, तब आप अच्छी तरह से अपनी भाषा को शुद्ध रूप से लिख पाएंगे। अब हम देखेंगे वाक्य के घटक। ये हमने क्या देखा, तो वाक्य के तत्व, और अब हमें देखने हैं वाक्य के घटक। वाक्य के घटक उद्देश्य और विधेय, दो घटक है उसके, उद्देश्य और विधेय। आप पिछली कक्षाओं में ये सारी जानकारी प्राप्त करके आए हैं और आज हम फिर से उसका पुनरावर्तन कर रहे हैं। तो वाक्य के घटक के बारे में हम दूसरे वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू।